हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ललित भाई के यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत हो गया। अभी गुड मॉर्निंग चल रही है, सबकी मॉर्निंग हो चुकी है, और हमारी मॉर्निंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हम लोग रात भर जागे हैं। क्योंकि मम्मी पापा को सुबह सुबह जाना था 6 बजे, तो हमें उनको उठाना था। तो इसके लिए मम्मी पापा अभी तो चले गए अपने ऑडिशन में, और हम लोग अभी घर पर। अंजलि अभी अपना काम कर रही है लैपटॉप में, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी बच गए हैं एक, और अंजलि अपना काम कर रही है लैपटॉप में। इतना सारा काम लेके आ गए जो हम लोग गांव में थे, कोलकाता से हमारे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन फटाफट रेसिपी वगैरह शूट की ताकि आप लोग को दे सके। तो बहुत सारी रेसिपी ऐसी थी जो हमने बनाई थी गांव में, तो उन सभी को एडिट करना था। तो अंजलि अभी अपना वही काम कर रही है, उसको एडिटिंग का काम है। बाकी मेरा काम अपलोड का है। बाकी मेरे को भी कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं भी एडिट करूंगा, क्योंकि अभी और कोई तो है नहीं, तो नहीं तो उस एडिटिंग का काम हो जाता। पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, दिवाली का, सबकी दिवाली है, कोई पता है। और अभी मेन चीज़ ये भी है कि हम लोग को खुद को नहीं पता कि हम लोग कहाँ रहेंगे दिवाली में और कहाँ दिवाली मनाने वाले हैं। अभी इस रूम को हमने बुक किया है करीब करीब 4-5 दिनों के लिए। और ये रूम को कैसे बुक किया है, वो अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पर भी जाके वीडियोज देख सकते हैं, वाली वीडियो जो हमने किया है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये इस रूम को हमें पूरा साफ करना है, हमें लंच बनाना है, उसके बाद खाना है, ये भी एक काम है, खाना भी एक काम है। और उसके बाद फिर हमें आज क्या करना है, आज हम लोग को सामान वामान तो हमने कल खरीद ही लिया था ना, थोड़ा बहुत थोड़ा आसपास घूमने जाएंगे। बाकी हमारा पूरे दिन का काम तो घर पे ही है, पूरे दिन हमारा एडिट वेडिट इसी में पूरा दिन निकल जाएगा। कल मौसम बहुत खराब था, आज मौसम बैक टू बैक घूम के भाई दिमाग खराब हो जाता है। आदत नहीं है ना, तो कोलकाता में इतने दिन घूमे, उससे पहले मैं दिल्ली में थी, तुम लोग उड़ीसा गए, फिर पटना गए, मन नहीं कर रहा घूमने का, मन कर रहा है घर चले जाए। उसी हिसाब से क्या पता हमें यहाँ पे और रुकना पड़ जाए। हम तो चाहते हैं कि और रुक जाए, क्योंकि भाई अगर और रुकने का मतलब है कि मम्मी पापा ऑल राउंड के लिए क्लियर हो गए, तो मम्मी पापा का अभी फाइनल चल रहा होगा, उन लोगों का कुकिंग टाइम है इस टाइम। मम्मी को मैंने 4 बजे उठाया था, मम्मी ऑलरेडी उठी हुई थी। मम्मी को मैंने कॉल किया कि मम्मी उठ जाओ, क्योंकि उनको 6 बजे जानी थी। तो फिर मम्मी बोल रही नहीं मैं उठी हुई हूँ, तो वो 3 बजे से उठ के, मम्मी कभी नहीं उठती भाई इतनी जल्दी, 3 बजे उठ के तैयार थी मम्मी। और वैसे हम लोग को कितना बोला, बोलने के बाद भी नहीं उठेंगे वो। 3 बजे उठ के तैयार है, नहावा के साड़ी पहन ली उन्होंने 3 बजे सुबह सुबह। फिर मैंने बोला आप उठ गए, बोल रही हाँ। फिर हमने मम्मी ने घंटे बात किया, पूछा, मम्मी ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे नर्वसनेस हो रही है, मुझे डर लग रहा है, कैसे करूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मम्मी को ना साड़ी प्रेस करके देनी थी हमें, तो हमारा ना प्रेस ही नहीं चल रहा, और जो हमारा होस्ट है हमने उसे बोला, तो हुआ कि वो बोल रहे कि 1-2 दिन में अरेंज होगा, और हमारे पास प्रेस ही नहीं, हम लेके आए थे लेकिन उसकी तार निकल गई। अब मम्मी की साड़ी प्रेस नहीं है, यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए कोई नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने मम्मी को बोला कि अब जिस होटल में रुकोगे उनसे बात करना, अगर वो आपको प्रेस दे देंगे तो ठीक है, क्योंकि फिर मम्मी पहली बार टीवी पे आएगी और बिना प्रेस की हुई साड़ी पहन के आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही सब मम्मी और हमने बात की। तब तक पापा उठ गए, पापा बोल रहे तुम माँ बेटी क्यों लगे हुए सुबह सुबह। उसके बाद मम्मी ने बोला कि चल तू सो जा, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी, मैं अपना काम कर रही थी। मैंने कि अगर मैं सो गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, सुबह उठने का मतलब है मैं रात भर काम करूंगी। तो मैंने रात भर काम किया, 4 बजे मम्मी को उठाया उठाया बातचीत की, 5 बज गए, फिर मम्मी बोली तू सो जा। अब मैं सो गई, अब सोने के बाद मम्मी 8 बजे मुझे कॉल कर रही, मैं नींद में। फिर ललित से मम्मी की बात हुई, क्योंकि ललित तो रात में सो गया था। फिर ललित ने मम्मी से बात की, तो मम्मी ने क्या बताया कि मैं ऑडिशन में हूँ अभी, और लोगों का मतलब रेसिपी बना रहे हैं लोग, टाइम चल रहा है। हाँ, तो मतलब ऐसे कुछ ग्रुप वाइज बनाना होता है खाना वाना। अब जो भी है मम्मी एक्सपीरियंस कर रही है, पापा कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करो कि हो जाए भाई, हम भी चाहते हैं हो जाए। तो ऐसा सुनने में आया है कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मुंबई में रुकना पड़ता है 1-1.5 महीने के लिए। जो भी प्रोसेस होगा, जो भी होगा, सच्चाई, जो भी रियलिटी शो की रियलिटी होती है, वो हम आप लोग को बताने वाले हैं, ताकि कभी आप आए तो आपको उतनी दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, कल तो हमें बहुत दिक्कत हो गई थी, कल तो पूरे दिन हमारा इसी में निकल गया। हमने सोचा काम करेंगे लेकिन काम नहीं हो पाया, उस चीज़ को हम बताएंगे, सही तरीके से बताएंगे। हमने उठाया था और लक्की आज हो गया है बीमार, क्योंकि उसको हो गया जुकाम, तो अभी वो विक्स लगा के सोया है रूम में। तो अभी मैं अपनी एडिटिंग कंटिन्यू करती हूँ, जा रहा है वीडियो अपलोड करने, उसके बाद हम ये जा रहा अपना काम करने, मैं जा रही हूँ अपना काम करने, फिर उस आज का लंच। तो ये बोल रहा है कि दाल चावल और चोखा बना दे, तो यहाँ पे लिमिटेड सामान है, तो जो है उसी में हम बनाएंगे। उससे पहले हमें किचन साफ करना है। इस टाइम तो मम्मी पापा का एग्जाम चल रहा होगा, अभी हम लोग घर पर अपना काम कर रहे हैं, मम्मी फिंगर क्रॉस्ड जो हो अच्छा हो, बस थोड़ा डर लग रहा है भाई। काम करते करते चूहे कूद रहे हैं पेट में, फिर चूहे मर भी गए और अभी तक कुछ नहीं बना। अंजलि ने बोला था कि बनाएंगे दाल चावल, पर वो प्लान हो गया कैंसिल। पर उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि अभी किचन में कौन है और किचन में क्या हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। वल्ला हबीबी कम टू किचन में। ये देखो भाई हमारा नया नौकर और रामू, बर्तन धो दिए कि नहीं, रामू ने बर्तन धोए कि नहीं, वे धो दिए सर। देखो भाई रामू जी ने सारे बर्तन धो दिए, गैस वैस चमका दिए,
अगर आपको भी ये रामू जी चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे रामू जी। तो भाई देख लो भाई, लक्की ने भाई ने पूरा लागू पूरा किचन विचन चमका दिया भाई, बर्तन भी धो दिए, दो चार बर्तन बचे हैं, बाकी पूरा किचन विचन साफ कर दिया। वैसे भी गंदा भी इसी ने ज्यादा किया था, उसलिए साफ भी इसी ने ज्यादा किया है, बाकी पूरा साफ हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। हाँ भाई, क्या बनाएगी बता दो। अब जो बात हुई है वो बनाएंगे, अब आपको दिखाएंगे सीधा। बस समझ लो उसका नाम शुरू होता है मैं से और लास्ट में होता है घी। घी घी होता है ना लास्ट में, मैं और घी ये होता है उसका नाम। और उसके साथ खाएंगे रोटी। नया फ्लेवर है, यही होता है जब मम्मी पापा नहीं होते हैं और घर में निकम्मे होते हैं, तो फिर घर में मैगी बना के मैगी रोटी खाना पड़ता। कितनी गरीबी है दोस्तों, मैगी और रोटी खाना पड़ता, नमक रोटी होता है, मैगी रोटी दोस्तों सब आज खाना पड़ेगा हम लोग को। कितना दुख में खाना। बाकी अभी हम लोग बनाते हैं, काम मेरे को ही करना पड़ेगा। अंजलि सर सब्जी काट देगी ना, सब्जी वब्जी भी नहीं काटेगी बोल रही है। सब्जी वब्जी काटनी पड़ेगी तेरे को, इसका तो कुछ बनाना भी नहीं पड़ रहा। मतलब मम्मी पापा का नहीं रहते ना यार, तो क्या बताऊँ आपको, मम्मी पापा नहीं रहते ना तो ऐसे लोग तो और निकम्मे हो जाते हैं। मतलब मम्मी पापा रहते हैं तो पूरा ख्याल रहता है। अभी मम्मी पापा गए हैं मच्छर के लिए, अब बोल भी नहीं सकते कि आके अब खाना है। बाकी तो अभी ऐसा पहला ही दिन होगा ऐसा जब मम्मी नहीं होंगी हमारे साथ। ऐसा मतलब दिल्ली में तो होता है, सेम शहर में रह के ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, हम लोग हर जगह ही रहते हैं, तो थोड़ी तो आदत बनानी पड़ेगी भाई के बिना भी रह पाओ। तो अभी हम लोग बनाते हैं। दोस्तों हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने को इधर है नहीं, मतलब सामान है लेकिन हमें बनाना नहीं है, तो यहाँ पे हम मैगी आज बनाएंगे, हम मैगी नूडल्स तो हमने ले आए, फैमिली पैक मैगी नूडल्स आज बनाएंगे। तो हम तीनों मिलके बनाने वाले हैं मैगी विद रोटी। तो आप सभी को पता है कि ललित मैगी बनाने में एक नंबर है, भाई मैगी मेरी फेवरेट है और मेरे को बहुत पसंद है। तो ललित ने बहुत टाइम से मैगी नहीं खाई ना, वैसे बहुत टाइम हो गया ना। हाँ बहुत दिन हो गया दोस्तों, पर आज बनाएंगे। देखो भाई ये फैमिली पैक मैगी मैंने ली थी, ऐसी इतनी बड़ी मैगी, हमारे घर के पास एक दुकान है, घर के पास दुकान है बड़ी, तो वहाँ से मैंने बोला कि चलो बनाएंगे इसको एक दिन, और तो आज वो दिन है। हाँ तो आज वो दिन है, और उसके साथ साथ हमने और बहुत सारा सामान लिया है, तो देख सकते हैं ये सारा सामान आया है डी मार्ट से, मतलब हम लेके आए हैं। और ये झोला पता है कितने रुपए का है, 26 रुपए का, और ये मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं अपने घर से कुछ लेके जाती। तो इसमें हमने बहुत सारा सामान लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे स्पेशल टमाटर, लेके दिखाइए भाई जो मैगी में पड़ेंगे। कहाँ गए भाई प्याज टमाटर ये सब निकालो भाई, बर्तन कहाँ है, बर्तन इसी में होंगे भाई। मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाला नहीं हूँ, नॉर्मली बनाता हूँ, नॉर्मली खाता हूँ, स्पाइसी भी नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे पास गिने चुने बर्तन है, ये निकाल ले, इसे मैगी बॉइल कर लेंगे। क्या आ गए हमारी आटा, इसी में गूंदेंगे भाई, इसको निकालना मैगी बॉईल करने के लिए। नहीं मैगी बॉईल नहीं करनी पड़ेगी, बिना बॉईल किए हम बनाएंगे। वाओ ये कैसे बना, अभी हमारे पास आ गए हैं टमाटर, ये भी कहीं से खरीद कर आए थे लोग। वाओ दो टमाटर गिर गए नीचे, देख लो भाई कितने टाइनी कितने छोटे टमाटर हैं, इनमें तो स्वाद जैसा होगा, स्वाद अच्छा होगा, इतना तो मेरी गारंटी है। दो दियो सबको, दो दे यहां पे लग गई है पूरी बाजार। तो हमारे पास है यहां पे प्याज, यहाँ पे आलू टमाटर, तुम क्या आलू टमाटर यूज कर सकते हो यार, वो महंगे होते हैं मेरे ख्याल से। मैगी में कौन डालता है आलू टमाटर, आलू टमाटर डाल, पनीर है, पनीर ले, टेस्ट कैसा है, पनीर नहीं लाएगा, बिना पनीर का कैसे खाएगा भाई। कितने हैं भाई, कितने होते हैं इसके अंदर, 1 2 4 6 8 सबकी मैगी नहीं बनेगी भाई, नीचे में होगी ना, उसमें होगी कढ़ाई प्लेट वाले में, नया घर ले लिया पर सामान नहीं पता चला। आटा गूंथ रहा है भाई, तो
जिंदगी में पहली बार हमने 1 किलो का आशीर्वाद खाता लिया था, पता ही क्यों नहीं आता, बट अभी यही आता है। इसको भूल कर रोटी बनाएंगे। तू कितनी खाया ले? हाँ भाई मैं ज्यादा ही खाता हूँ। पूरी बना देगी ना लड़की? पूरी 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 मुझे पूरा पूरा बोलना। पूरी पूरी बोल रही है। बर्तन भी तो निकालना होगा भाई, पता चला। अरे आटा है और है वो देख, बट हम उसको नहीं खोलेंगे यार। आज नहीं तो कल खोलना ही पड़ेगा। जब खोलना होगा तो चाकू चाकू इसी में होगा, इसमें होगा। सब कुछ काट लेते हैं उसके बाद आपको दिखाएं। भाई इस घर में आरो नहीं है तो हम ना ऐसी कैंस का यूज कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी बॉटल्स का यूज कर रहे हैं। तो अभी इसमें निकाल लेते पानी। ये कैन कितने की पड़ रही है पता है आपको? बिसलेरी की है तो महंगी पड़ रही है। कमेंट करना ठीक है। चलो जय श्री। यहाँ पे ललित भाई प्याज वाज काट रहे हैं और यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है। तो मैगी बनाने के लिए हमने लिए है 2 प्याज 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा तीखा चाहिए उतना डाल देना, बाकी एक लाल मिर्च भी हम डालेंगे, थोड़ा और मज़ेदार हो जाएगी। आपको खा लियो, इसको ज़्यादा बुरी लगे मैगी वो नहीं भी खा सकता है तो कोई भी काम चल रहा है। ये तो बोला कि बारीक बारीक काट दे क्या? ये तो मैं काट यार, मैंने आटा कर दिया। ललित वहाँ पे सारी सब्जियाँ काट दे रहा है, ललित तो मैगी तैयार करेगा, मैं फटाफट आटा बना दूँ। ना ललित देखते पहले तेरी मैगी बनती है या मेरी रोटियां। रोटी बनेगी ना ललित भाई, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है ना यार। ये तो मिथ है, ये झूठ जिसने आपको बोला है ना भाई मैगी बनाने में। भाई देखो वो वाली हो जिसमें सीधा पानी में डाल देना तो अलग चीज़ है, और सब्जी वब्जी बना बना के एकदम बढ़िया तरीके से बनानी हो, पनीर वनीर मटर वटर। मटर भी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारे पास क्या मटर है? क्या घर नहीं है? वही पर है भाई लाइटर ललित के पास। ललित क्या सच्चा बेलन भी लाइटर भी तवा भी सब कुछ खाली नहीं है। और कुछ तो नहीं है ना मैंने? नहीं। चलो भाई कहाँ से ऑन करियो पाइपलाइन? हाँ तेरी भी जल जाएगी, देखो बाद में। वैसे हार गया, हेल्प कर दी। तेल दे भाई तेल, तेल वहाँ पर है भाई। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा परत है। भाई रोटी तो हमें पता ही है कैसे बनती है, ललित भाई की मैगी देख लेंगे कैसे बनती है। ललित भाई भाई देखो सामान है, इन लोग के पास फोन है, ये एकदम बेकार सी मैगी है यार। ये बेलन तो वैसे चलेगा ही नहीं, इतना पतला बेलन है ये। इसमें तो मोटे बेलन की आदत है। हां भाई आज नहीं भाई बनाऊंगा रोटी, ठीक है मुझे ही बनाना सीख। ललित भी बनाएगा ठीक है, ललित भी बनाएगा भाई। ललित बोल रहे मैगी भी बनाओ रोटी भी बनाओ, तुम लोग किस ले आए हो? तुम लोग का पेट भर जाता है। तुम बोल ललित भाई जब भी तुम्हारा पेट भर जाता है। तो गोल घुमाएंगे इसको कैसे? उड़ा उड़ा के मत बना भाई। करूं? नहीं 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 कैच आउट अनाज से मजाक नहीं समझी। ये कला है ललित, ये कला है पर वो मैदे के साथ होता है। इसके साथ भी हो जाएगा बट स्ट्रिंग करना पड़ेगा। हाँ। मील का आटा मिला के। चलो भाई सबसे पहले डालेंगे हम मिर्च। देगी मिर्च, ये प्याज कैसे आ गया इसमें तो? मिर्च बोल के मिर्च प्याज भी मिक्स लगा था। ललित भाई तू रेसिपी चैनल मत खोलियो पूरे बादशाह मसाला। प्रमोशन हो रहा है क्या? ये प्रमोशन हो रहा है ललित ललित भाई एक बार और। पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली में भाई आपको अभी भी ये वाला कभी कभी मिल जाता है ये वाला ऐड, और आपने बताया आपको ये ऐड याद है कि नहीं? बादशाह मसाला। यहाँ से एक नया कपड़ा निकाला है, इस पे रोटी रखेंगे। रोटी तो इतनी खूबसूरत नहीं होगी, कपड़े ही खूबसूरत हो जाए। ललित भाई तेल डालो उसमें कम है। तेल ठीक है भाई, अंजलि बताएगी। तेल कम, तेल कम है ना भाई, रात दिन रेसिपी शूट शूट कर कर के ना अंदाजा तो हो ही है। तेल बहुत है भाई, मेरे को तो कम नहीं लग रहा यार। मेरी पहली रोटी कभी नहीं फूलती यार। आज फूल गई? नहीं फूली,
तवा अच्छे से गरम करा कर, नॉनस्टिक है ना वैसे, तो कोई भी हो तवा अच्छे से गरम करो बस। ये रोटी बन गई, प्याज और टमाटर डाल दिए हैं और साथ छींक भी डाल दिया हमने। अरे छींक नहीं डाल, प्याज और टमाटर डाल दिया, और हाइजीन बनाने के लिए हमने अपनी छींक का प्रयोग किया है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। नमक दे, नमक डालो जल्दी गल जाएगा। इसको ऑन करो चिमनी को यार। हाँ, ये सबसे फर्स्ट वाला दबा के रखना, दबा के रख। अब उसको ऑन करो वहाँ से, एरोस एरो 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 एक और तीन बस। भाई ये देख लो वहाँ का जो है उसको ऊपर खींच रहा है, वो रोटी नहीं जल जाएगी, जल गई, जल गई रोटी मेरी, पहले तेरा पिंपल ठीक हो गया ना भाई, जैसे का पिंपल फटा है। चलो अब लगी, वो जितना सामान है उस हिसाब से बहुत ज्यादा मैगी है, और गजब की बनी, तो इतना सा सामान है और मैगी देख लो कितनी सारी है। अरे भाई तेरे को कुछ नहीं पता है भाई। अब आ गए हैं दूसरे शेफ लकी भाई, आज कम कर दे क्योंकि अगर इतना टाइम लगने वाला है तो कबूतर छा, तो देखते हैं भाई जैसे दिवाली में खरीदते ना मुर्गा छाप, मुर्गा छाप हुआ था ना, आपको क्या नाम होता है, बम आता है, बम आते है मुर्गा छाप, वैसे ही है कबूतर छाप। तू तो बड़ा प्रोफेशनल है। हां टमाटर अब डाल, सीधा काट के डाल रहा हूं, किसी में इतनी बस की नहीं होती जो सीधा ऐसे टमाटर। ओहो भाई, ओ भाई लकी कुछ ज्यादा बड़ी ही ले ली लोगी तूने, क्यों पैन से बाहर आएगा तेरा, नहीं आएगा भाई, थोड़ा और बेल भाई, कोने कोने पे मोटा है भाई, बना तो तूने सही दी लकी भाई। मैं अब कबूतर छाप शेफ है, थोड़ा बहुत सीख ही लाए हैं। चलो डालो ये। हां क्या रोटी बनाई लकी तूने भाई, तेरे से तो मन तो कर रहा है चुम्मी दे दूं, तेरे से तो गोल बनेगी ही नहीं, गोल तो मेरे से नहीं, बहुत बढ़िया रोटी बनती है। चल बना, आ जा इस तरफ। नहीं बनाऊंगा, बना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। प्याज और भी है क्या? हाँ बड़ा प्याज भी ऊपर से काट के डालोगे ना? नहीं तो पूछ रहा था घर में प्याज भी होने चाहिए। हाँ आलू मले लेके डालेगा। चलो कि हाँ पता चल गया तुझे आती है, मैं बना दे रही हूँ फटाफट। खुला लो अपनी वाली। हाँ खुला ले भाई, फिल्म बना देगी वीडियो की, रोक वीडियो नहीं रुकेगी। थोड़ा थोड़ा बनाओ दोस्तों यार, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ओ भाई नई तरीके की, ओ हो भाई नाइस नाइस, बुला दी पीछे से रिश्ते भेजो भाई, रिश्ते में आवा निकली रोटी। ये मिस्टेक से हुआ बंदे से। चलो भाई मैं बना दे, छोड़ दे लकी फटाफट, मिस्टेक से सही करने होगा तो। चल तू भी एक मिस्टेक कर दे, तू बना जल्दी जल्दी जल्दी, अगर सब्जी जल गई तो लकी है ना, लकी है ना, वो अपनी रोटी को कैसे कैसे लकी मत कर भाई, ऐसे ही तुम कर रहा भाई। चलो बेलो, दो लोग सोच रहे कि मैं रोटी भी नहीं बेल पाऊंगा, घर में सोच रहे हो मुझे सही में नहीं आती है। थोड़ा बर्तन लगा ले, चिपक जाएगी अभी, पता नहीं कहां से चिपक गई, उधर से बर्तन लेना, तो फ्लोर से क्यों ले रहा है, तेल कहां से आ गया तुम्हें। जो लोग सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बन तो नहीं रही वो रोटी, ढाबे पे ऐसी बनती है रोटियां, ढाबे से सीखी है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ढाबा। उन्हें पापा के ढाबे का नाम बंद नाम कर दे, जब ही बंद हो गए दोस्तों। होता है दोस्तों, ढाबों को मालिकों के साथ भी ऐसा होता है। निकाल दो ले भाई, बोलना मसाला, तेरे को कुछ डालने वाले को बोला हूँ, मसाला निकाल दो सर। नहीं लेकिन इसको थोड़ा आज कम कर दे, नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो छोड़ दे भाई। अरे बर्तन लगा जा रहा है पर काम नहीं बन रहा है, नाक में से पसीना बहुत भाई, तू मेरी तो रोटी बोल ही, हमें नमकीन रोटी नहीं चाहिए।
हसीना थोड़ी ना वो दोस्तों मेरा, वो तो हार्ड वर्क है। एकदम जिगली पॉप जैसी दिख रही है रोटी, बतरी फिर फट गई, फिर फट गई लाले, हद कर दी, हट जा भाई। को पकाते जा। नहीं नहीं भाई, कौन खाएगा, यही खाएगा फिर दोबारा। नहीं तू ये खाएगा तो पका दूंगी। ये लकी भाई अपना अपना काम ले रहा है। भाई सब्जी जल रही है भाई, ऐसे में भी मैं भी जल रही हूं। ऐसे बोतल से भाई भाई ये क्या कर रहा है, ऐसे बोतल से पानी निकाल रहा है। तेरी रोटी जल रही है, क्या कर दिया लल्ले, इतना पानी क्यों डाल दिया इसमें, तक बगल में निकाल के रख रखा है अंजलि ने। हाँ, बट इस बंदे को दिखा नहीं। ये है हमारी मैगी बनाने का पारंपरिक तरीका, आपको कैसा लगा? अपने घर में ऐसे ही बनाएं, पूरे परिवार के साथ मिल बांट के खाएं। इसे स्पीड गोड 3x पे करियो। दोस्तों मैगी बन के हो गई रेडी, अब हम नहीं मैगी का पानी बन के हो गया रेडी, अब डालेंगे इसमें मैगी। नहीं, नहीं, कितनी मैगी डालेगा वो तो बता भाई, वो चार के हिसाब से भी कम है, तीन के हिसाब से ठीक है वो। और डाल पानी, पूरी मैगी तो नहीं बनने वाली। पूरी मैगी मत डाल, चार ही बना, देसी खराब हो जाएगा ना लगती। बहुत खराब हो जाएगा, बाद में फिर बना लेंगे कभी। पूरे मसाले सारी बनेगी इसमें डाले हमने, चूरा चूरा डाल दे, चार साबुत निकाल दे। निकाल दूंगा मैं भाई, अब डाल, टाइम आ गया मैगी को, पानी गर्म नहीं हुआ, डाल दे पकेगी ना। थोड़ी पतली पतली रोटी बना, कोई हाथ ही नहीं खाएगा उसको, इतनी ऐसी बड़ी बड़ी उपले जैसी रोटी बना रही है, छोटी बना पतली बना रही है। यार भाई नज़ारे ले रहे हैं भाई, जब तक मैगी बन रही है तब तक बाहर के नज़ारे देखते हैं। लकी भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पकड़ी रखा है, खाएगा अपना काम कर लेता। क्या हो गया? नमक तेल। अच्छा भाई, लकी नमक तेल वाली रोटी खाएंगे, हम भी खाते थे बचपन में, बढ़िया लगती थी रोटी। तेल कहाँ था? ये रहा ना तेल। चलो भाई मेरी भी गर्म हो गई है, मेरे को मैगी डालनी है। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई नमक तेल वाली। कोई नहीं, एक मेरी बने पापा नहीं रहेंगे ना, देखो बार बार बना के खा लेंगे। बन तो समझाते बट टाइम। पारंपरिक तरीके से मैगी मसाला डालेंगे, कहीं और पारंपरिक तरीका मत दिखाइयो। इधर बाहर कुछ बाहर है, तो यहाँ पर हमारी मैगी रेडी हो गई है भाई, बन गई अपनी मैगी रोटी। ये जो तुझ में समाया, ये जो मुझ में समाया, वाह 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 वाह, क्या मैगी है।